दोस्तों, आज की वीडियो में कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, इसका सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपने माइक्रोसॉफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। तो इस प्रकार से कैलकुलेटर आपका ओपन होगा। यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो इतने ऑप्शन आपको आते हैं, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ग्राफिंग प्रोग्राम, डेट कैलकुलेटर, करेंसी, वॉल्यूम, लेंथ, वेट एंड मास, टेम्परेचर, एनर्जी, एरिया, स्पीड, टाइम, पावर, डेटा, प्रेशर, एंजल। यहाँ पे आपको बहुत से जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है बेसिक वाला। बेसिक में क्या है कि हमारा जो नॉर्मल होता है जिसमें हम गुणगणित करते हैं वही होता है। यह देखो, स्टैंडर्ड में हमारा वही होता है, तो जिसमें हम अपना जो है कुछ भी प्लस माइनस करते हैं इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे दिखता है। तो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे साइंटिफिक। साइंटिफिक में आपको कॉस थीटा, साइन थीटा, बाकी का और भी मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लॉग वॉग लॉग का भी आप जो है कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे जो है, अगर आपने कोई हेक्सा डेसिमल ये सब देखिए, यहाँ पे बाइनरी नंबर वगैरह निकालना है, उसका कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से आप जो है उसको कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर के लिए भी हो गया, अपडेट कैलकुलेटर हो गया। तो मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, अभी आपको जानना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं कितने साल का हुआ, तो हम इसको जो है देखो यहाँ पे डेट कैलकुलेटर में जाएंगे, फॉर्म में जहाँ से आपको देखना है वो होता है। यहाँ पे हम जो है 1993 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं अपना दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 1993 हो गया, मान लो 94 है मेरा, तो मैं 94 सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगस्त 94, ठीक है। तो अभी देखो मैं 28 साल का हो गया हूँ, 28 साल 6 महीने का। इस हिसाब से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है करेंसी कन्वर्जन का। करेंसी कन्वर्जन के यहाँ पे देखो, आपने यूएस यूनाइटेड स्टेट का डॉलर जो है 1 सेंट, ये है इसका यूरोप, यूरो है ये, तो 1 यूरो बराबर 1 डॉलर बराबर कितने यूरो होता है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार जो है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको जो है इंडियन करेंसी भी कर सकते हैं। अभी तो आपका जो है करेंसी कन्वर्जन जो है 80 रुपये 57 पैसे चल रहा है, तो यहाँ पे देखो 94 पैसे बता रहा है। तो यूएस डॉलर का अगर हम 1 डॉलर यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे इंडियन रुपी 82 रुपये 90 पैसे हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर आपको रेट में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो नीचे इंटरनेट से अपडेट रेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है एक्यूरेट डिफ आपको जो है करेंसी कन्वर्जन में दिखेगा। अगला ऑप्शन आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में आपका आयतन निकालने के लिए काम आता है, जो आपने देखा होगा मिली लीटर या सेंटीमीटर, और जब आपने पढ़ा था तो ये आपको आयतन का निकाल, लेंथ की लंबाई निकालने के लिए, वेट और मास के लिए, वजन करने के लिए, टेम्परेचर तापमान चेक करने के लिए, एनर्जी के लिए, एरिया निकालने के लिए, स्पीड ज्ञात करने के लिए, टाइम निकालने के लिए, पावर चेक करने के लिए, बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सभी को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो इसको आप यहाँ पे प्रेस करके आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो आप जिससे आपका कैलकुलेशन यहाँ पे छोटे में चलता रहेगा। तो इस प्रकार जो है आप जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कैलकुलेटर जो है नया का उपयोग कर सकते हैं आप। इसमें काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें ऐड की गई हैं, जिनका आप जिसका लाभ आप ले सकते हैं।